प्रिपरेशन ऑफ पायरोल। अब पायरोल की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड हैं। सबसे पहला है एसिटाइलिन और अमोनिया कम्बाइनो। एसिटाइलिन किसको कहते हैं? एसिड, मैंने कल भी बार बार प्रीवियस वीडियोज़ में कहा एसिड जिसमें दो कार्बन हो वो होगा। अब एसिटाइलिन ऐसा है, ये है एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन के दो मालिक्यूल आएंगे क्योंकि हमें पायरोल के लिए चार कार्बन चाहिए, ठीक है, और प्लस में अमोनिया। अब अमोनिया का भी आपको पता है NH3, ठीक है। अब NH3 और ये, इनसे क्या होगा, एसिटाइलिन और अमोनिया जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये वाला बांड इधर ब्रेक हो रहा है तो ये आपस में बांड बना लेंगे, फिर ये बांड इधर ब्रेक होगा, ये आपस में बांड, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव होगा तो ये नाइट्रोजन इसके साथ बांड बना लेगा। तो ये जो है यही वाले कार्बन साइक्लिक फॉर्म में आके हमें पायरोल दे देंगे। ये एक एक बांड इनसे रिमूव हो गया ट्रिपल से, तो अब ये डबल बांड बन गया और इस पर एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। सबसे पहला ये है पायरोल की। उसके अलावा पायरोल के लिए हमारे पास है कि अमोनियम म्यूसेट, हम म्यूसिक एसिड है, म्यूसिक एसिड से बना हुआ है अमोनियम म्यूसेट। अमोनियम म्यूसेट वाला क्या आएगा, अब चार कार्बन आप लोग पहले बना लें, चारों कार्बन पर जो है ना एक एक OH ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, OH और OH। अब इसके अलावा COOH की जगह आप COOH4 अमोनियम जो है एसिड हमने ऐड करना है, ये ऐड किया एसिडिक फॉर्म, इस साइड भी ये सिमिलर COOH4, ठीक है, ये बन गया हमारे पास अमोनियम म्यूसेट। हाइड्रोजन लगाकर इसकी वैलेंसी बाकी कंप्लीट कर दें। तो अमोनियम म्यूसेट से सबसे पहले स्टेप में ये जो लगे हुए ना हमारे पास अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन रिमूव होंगे, ठीक है, अमोनियम आयन रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया NH3। तो बाकी जो एक हाइड्रोजन इधर से बचेगा, एक हाइड्रोजन वो यहीं पर अटैच हो जाएगा तो ये एसिड बन जाएंगे, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर आप चार कार्बन वाली बनाएं, चारों पर जो है OH लगाएं, हाइड्रोजन तो एक एक है होगा ही सब पे, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट और लास्ट पर जो है COOH हो जाएगा, COOH, ये बन गया म्यूसिक एसिड। अब म्यूसिक एसिड में से फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही जो अमोनिया रिमूव हुए ना हमारे पास, ये अमोनिया इसके साथ इधर से आके रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, सबसे पहला ये जो है दोनों रिमूव होंगे ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल, प्लस में ये OH एक है, ये दूसरा OH है, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों OH ग्रुप रिमूव होंगे। OH ग्रुप क्योंकि हमें पता है पायरोल में नहीं है, तो चारों OH जब रिमूव होंगे, OH के साथ साथ इनमें दूसरा क्या होगा, दो तो हमारे पास ये हाइड्रोजन मिल गए कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, बाकी हमें दो और हाइड्रोजन चाहिए जो OH के साथ रिएक्ट करके हमें चार वाटर के मालिक्यूल देते हैं, वो दोनों हाइड्रोजन देगा अमोनिया, ठीक है। तो ये हमें चार जो है वाटर के मालिक्यूल मिल जाएंगे और प्लस में पायरोल बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड में क्या होता है, अब सक्सिनिक एसिड या सक्सिनिक एल्डिहाइड, ये जितने भी आपने सुना होगा, तो उनमें होते हैं चार कार्बन, ठीक है, चार कार्बन वाले, फर्स्ट और लास्ट पर जो है अगर एसिड है तो सक्सिनिक एसिड हो जाता है, अगर एल्डिहाइड है तो सक्सिनिक एल्डिहाइड हो जाता है, फर्स्ट और लास्ट के हिसाब से। उसके साथ लगा होगा NH तो ये बन जाएगा सक्सिनिक इमाइड, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है स्टेप के जो हमारे पास ऑक्सीजन के डबल बांड है ना, वो खुद को यहाँ पे ब्रेक कर लें, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के बांड खुद को यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव होंगे, ये CH2 था, ये भी CH2, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से एक एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, दोनों से एक एक हाइड्रोजन वो आकर अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो हमारे पास कार्बन चार कार्बन वाला NH, ठीक है, इस पर OH आ जाएगा, इस पर भी OH, और ये डबल बांड हाइड्रोजन, फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकंड स्टेप में अब OH ग्रुप रिमूव होने चाहिए, तो ये फर्दर जिंक के साथ जब रिएक्ट करेगा जिंक की मौजूदगी में, तो इससे जो OH ग्रुप्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, OH भी सिंपली हम ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, हाइड्रोजन तो यहीं रह जाएंगे रिंग में, तो ये जो है पायरोल हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ वन है हमारे पास सक्सिनिक डायल्डिहाइड। अब सक्सिनिक इमाइड और डायल्डिहाइड तकरीबन सिमिलर हैं। सक्सिनिक डायल्डिहाइड मैंने पहले कहा कि चार कार्बन होंगे, चार में से जो पहले दो हैं मीन्स फर्स्ट और लास्ट वाला, वो हमारे पास एल्डिहाइड होगा अब, क्योंकि सक्सिनिक डायल्डिहाइड है।
ठीक है, सक्सेनिक डायलियाड में ये होगा। अब इसमें से सबसे पहला स्टेप होगा कि वही ऑक्सीजन के बांड जो हैं खुद को ब्रेक करें। ऑक्सीजन के बांड ब्रेक करेंगे तो ये वाले हाइड्रोजन जो हैं खुद को यहाँ पर इस तरफ ले आएंगे, जो इससे हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये CH और CCOH हो जाएगा इन पे दोनों पे, और ये जो नीचे वाले हाइड्रोजन है वो हम इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, इसको हम कहते हैं ये बांड ब्रेक हो गए तो बांड बन गए डाइईन। डाइईन क्यों, दो डबल बांड है, और डाईओल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में OH ग्रुप रिमूव होने चाहिए, तो इसके साथ प्लस होगा NH3 अमोनिया। अमोनिया क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इस OH के साथ रिमूव हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस OH के साथ रिमूव हो जाएगा, बाकी एक जो हाइड्रोजन है वो इसी के साथ रहेगा। तो इससे हमें फर्दर नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा पायरोल। पायरोल के अलावा बाकी दो जो हैं हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट वन जो है हमारे पास फिफ्थ, वो है फ्यूरेन से। अब फ्यूरेन को हम सिंपली क्या करें, अमोनिया के साथ रिएक्ट करें। अब अमोनिया का जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो आके इस ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जाके हमारे पास वाटर बना देंगे, और ये जो है NH की फॉर्म में पायरोल हमें मिल जाएगी प्लस वाटर।